आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम वीवीएफ फंक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं और किरण जी मैंने आपको रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जी सर। और सुहास जी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, तो आपको कुछ पूछना होगा तो चैट से पूछ लीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे मैच और इंडेक्स का फंक्शन लगाया हुआ है, राइट? क्या इसी तरह का फंक्शन हम वीवीए के थ्रू लगा सकते हैं? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लगाना, तो क्या लगाया जा सकता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लगाया तो जा सकता है, तो इसमें दो तरीके हैं। क्यों ना हम एक्सेल का ही तरीका, जो एक्सेल का तरीका है, उसी को रिपीट कर दें। पहला फंक्शन यहाँ पे हम दे देते हैं मैच वीएल एम बी करके बना देते हैं, एम एस को एम बी नाम का कोई फॉर्मूला है शायद, एंड एज हम कर देते हैं वेरिएंट। R as a range, हो गया। फिर यहाँ पे C as a again variant और CR as a range, ओके? ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि dim आर ई एज ए वेरिएंट, और यहां पे हम देते हैं आर ई इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वीलुकअप, राइट सर? इसमें हम एन दे देते हैं लुकअप वैल्यू, आर देते हैं रेंज, और फिर यहां पे ए हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं इसको स्पेस देके अंडरस्कोर कर देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, फिर वापस मैं यहाँ करता हूँ एप्लीकेशन डॉट वर्क, एप्लीकेशन की स्पेलिंग है बोलेगा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच। मैच में हमने बोल दिया सी एज ए लुकअप वैल्यू, सी आर एज ए रेफरेंस, एंड यहाँ पे कॉमा जीरो एग्जैक्ट मैच, और फिर कॉमा जीरो। समझ गए? और फिर यहाँ पे एम अंडरस्कोर वी इक्वल टू आर ई, तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे एम अंडरस्कोर वी से लुकअप वैल्यू हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ यहाँ आया हमने रेंज को सेलेक्ट कर लिया कॉमा, फिर यहाँ पे सी आर वैल्यू, तो यहाँ पे आए हमारा जो मंथ है इसको सेलेक्ट कर लिया, और जो मैच का रेंज है वो मैच का रेंज हमने यहाँ से ले लिया। आ गया? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे आपने फॉर्मूला लगाया हुआ था, तो हम एक्सेल के एक्सेल को ही यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, समझ गए? आपको समझ में आया सर? अब यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन देने का रीजन यही था कि वीलुकअप हमारा, सॉरी हमारा जो वीलुकअप हुआ, मैच हुआ, वो वीवी को सपोर्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि अगर एरर आया तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू का एरर दे रहा है, ठीक है? दे रहा है ना? क्यों वैल्यू का एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैच को, इसको वी लुकअप को, मैच को तो मिल रहा है, वी लुकअप को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो क्या दे रहा है, एन ए दे रहा है, हैश एन ए, हैश एन ए क्या है, एक एरर है। हमने यहाँ पे आर ई एज ए वेरिएंट डाला हुआ है, तो आर ई कहता है कि हम एरर के सिवाय सब कुछ ले लेंगे, एरर नहीं लेंगे। तो अगर मैं डायरेक्ट इस पे एम बी कर दूं तो क्या होगा, डायरेक्ट एम बी कर देता हूं, इसको बता देता हूं, फिर भी एरर ही आएगा, क्योंकि एम बी भी एक वेरिएंट है ऊपर वाला, तो एरर नहीं देगा। आप बोलते कि नहीं नहीं एरर के जगह पे मुझे मैसेज दे कि नॉट ए नॉट रिटर्न, इस तरह से दे,
तो यहां पे हमें देना होगा ऑन एरर, और यहां पे मैसेज देना है कि इफ ई आर आर इज ग्रेटर देन जीरो, एक आर आर तीन आर दे दिया मैंने जीरो, एम अंडर स्कोर वी इक्वल टू डेटा नॉट फॉर्म, एल्स में हमने इसको दे दिया। अब देखते हैं क्या होता है। आ गया समझ में आया सर, कोई डाउट किसी को? सर यहाँ पे वो वैल्यू उसको नहीं मिल रहा था क्योंकि वी लुकअप राइट साइड लेफ्ट साइड में, मतलब नहीं नहीं 156 है ही नहीं इसलिए। अच्छा अच्छा इसीलिए क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसको हम वीवीए कांसेप्ट से कैसे करें। तो वीवीए कांसेप्ट में हम इस तरह से नहीं करेंगे, समझ गए ना? वीवीए कांसेप्ट में हम यहाँ पे देते हैं कि सब्जेक्ट, हम बोलते हैं वी अंडरस्कोर एल वी एल, हम बोलते हैं एम एज ए वेरिएंट, इतना जरूरी है कि लुकअप किसको करना है। फिर एम सब क्यों लिखे, फंक्शन होगा ना? सॉरी हाँ माफ कीजिए जल्दी हो गया। हाँ ठीक है हो जाता है, अब प्रैक्टिस वही है ना सब लिखना, मेरा भी वही दिक्कत होता है। एन एज ए वेरिएंट, एम एज ए मैचिंग रेंज, मैचिंग एम क्या हो गया हमारा मैचिंग रेंज है, मैचिंग रेंज। अब यहाँ पे जैसे कि सी हम कॉलम, किस कॉलम का डेटा हमें चाहिए, राइट? तो यहाँ पे सी एज ए हम वेरिएंट देते हैं, सी एज ए वेरिएंट, और हम यहाँ पे एक सी एज वेरिएंट ही देते हैं। अब एक यहाँ पे एक मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है कि डिम सब में आर इक्वल टू रेंज एस जी बॉक्स आर डॉट मैं देख रहा था कि मैसेज पहला ही आया कि अलग अलग आएगा, तो हमें इसमें इसकी मैचिंग देने की जरूरत नहीं। यहां पे हम देंगे डिम फोर लूप लगाएंगे, फोर इच आर इन एम, समझे? तो ये फॉर्मूला लगेगा कैसे? फॉर्मूला लगेगा कि वी अंडरस्कोर वी एल लुकअप वैल, उसके बाद मैचिंग में हम सिर्फ अपना जहां मैच करना है वहां देना है, और सी में यहां हो गया। उसके बाद सी के अंदर में हमें सिर्फ देंगे कि हमें क्या किसका चाहिए, नेम का चाहिए या किसका चाहिए, समझे? रिजल्ट अभी जीरो है। कितने इनपुट है हमारे पास? एक एक दो तीन इनपुट है ना, और यहां भी हमारा एक दो तीन इनपुट। अब यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एन देन
यहाँ पे हमें नेम का चाहिए, यहाँ पे जो सी किया इसका वेरिएंट निकालना पड़ेगा पहले। अच्छा तो यहाँ पे हम मैच का भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ तो यहाँ पे हम एम कर देते हैं, एम इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट, या फिर कुछ और मेथड भी लगाया जा सकता है। मैच, और यहाँ हमने दे दिया बोला कि मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना है सी को, किसमें ढूंढना है, ढूंढना किसमें है। तो उसके हम लिए तो यहाँ अलग एक रेंज चाहिएगा ना सर। रेंज ले लेंगे ना, हमने जो एन सेलेक्ट किया है ना, सी की पहली रो है ना, तो हम अच्छा। यहीं पे करेंगे एन डॉट रो, इसलिए तो नीचे चेक किया है देखो क्या आ रहा है। के साथ हम कंबाइन करेंगे इसको और फिर वापस करेंगे एन, नहीं सर आ रहा है माफ कीजिएगा, हाँ एम एम और यहाँ भी हम करेंगे एम डॉट रो। क्या ये इसमें मैच करना है, यहाँ दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है अलग अलग, कौन से सीट का है कैसे पता चलेगा? हाँ सर वही तो प्रॉब्लम इसमें इसमें हमें एक यहाँ पे एक देना होगा जो एक्टिव शीट एमसी, को स्टोर हाँ मैचिंग करेगा। कॉलम, मैचिंग कॉलम एज ए रेंज। यहाँ मुझे एक बार और देना पड़ेगा डिम आर एज ए आर नहीं जे जे डिम जे एज ए रेंज, और एक बार और मुझे यहाँ पे यहाँ इट जे इन एम सी बताना है कि इफ जे डॉट वैल्यू इक्वल टू सी, देन सी कॉलम नंबर सी एन इक्वल टू जे, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा वी अंडर स्कोर एल, वी एल यहाँ पे वी अंडर स्कोर एल इक्वल टू यहाँ पे करना है आर डॉट ऑफसेट 0, और ये दिखा आपको जे, ये आपका जो सी एन, सी एन माइनस वन, ये क्या करेगा तो निकलता हूँ आपको, जब फॉर्मूला में लगाऊंगा तो इसमें एक रेंज एम सी आ गया ना, हाँ तो मैं यहाँ पे कॉमा एम सी को सेलेक्ट करूंगा कि एम सी, यहाँ पे एम सी को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे डेटा में इस रेंज को कर दिया। हाँ, जैसे हम लोग करते हैं मैच में एक रो का उनको एड्रेस देते हैं, रो या कॉलम जो भी है। एक मिनट एंड लीफ नहीं है नीचे। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, एक बार देखता हूँ कहाँ दिक्कत है। तो हमने यहाँ पे लगाया फोर जे इन एम सी, हाँ एम सी है, फोर जे डॉट वैल्यू इक्वल टू सी, मतलब कि मैचिंग वैल्यू, देन सी एन इक्वल टू जे,
नंबर दिया एंड ए फोर जे। अब यहाँ पे दिया हमने कि फोर एम, हाँ फोर इच आर इन एम, फोर आर डॉट वैल्यू इक्वल टू एन, देन वी एल इक्वल टू ऑफसेट सी एल माइनस वन। ओ हाँ यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा एग्जिट फंक्शन, कुछ होगा नहीं यहाँ पे, यहाँ कुछ और प्रॉब्लम है। A2 seat B6, B2 से 36 सही है, फिर seat 2 का B1, फिर seat 1 का A1 से K1। सर हाँ यहाँ पे J dot value equals to N नहीं होगा, नहीं C होगा ना, N तो इधर नीचे होगा ना, N तो रो नंबर है ना हमारा, ये 3 को मैच कर रहा है। अच्छा और सी जो है आपका सी ए है, आपका बी वन लिखा ना बी वन, देखिए ए थ्री जो है वो एन पे स्टोर हो जाएगा ठीक है, और आपका बी यहाँ पे सीट ए टू से 36 जो है ए असाइन हो जाएगा किस पे, एम पे, और बी वन जो है वो असाइन हो जाएगा सी पर, और ए वन से के वन जो है असाइन हो जाएगा एम सी पर, एम सी पर। तो हमने यहाँ पे लिखा कि डिम जे एज ए रेंज, हमने बोला फॉर इच जे, अब देखिए फॉर्म फंक्शन को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इसको लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ सी एन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ सी एन, और फंक्शन को मैंने एग्जिट कर दिया यहीं पे राइट। तो इससे क्या होगा कि नीचे का कोड रन होगा तो पता चल जाएगा कि एक कोड वर्क कर रहा है ठीक है, कोड लेते हैं नेम आ गया ना यहाँ पे। हाँ ये जे नहीं देना चाहिए था हमको, यहाँ पे सी एन डॉट जे डॉट कॉलम देना चाहिए था, तो ये नेम आ रहा है ना इसलिए फंक्शन दिक्कत हो रही है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब चेक कर देता हूँ, तो आ गया रिजल्ट। तो इसमें हमें माइनस वन करना पड़ेगा क्योंकि ऑफसेट हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो रिजल्ट आपके सामने कविता आ गया। अब इस मैटर में कोई डाउट है आपको? सर यहाँ पे जैसे रेंज में सर एक बार और खाली आप पहले से एक बार समझा देंगे कि रेंज को हमने कैसे सिलेक्ट किया? बताता हूँ, चलिए हमने सबसे पहले फॉर्मूला बनाया, हमने बोला कि एन हमारा वेरिएंट है, मतलब कि ये हमारा लुकअप वैल्यू है, ये हमारा लुकअप कॉलम है, मैचिंग कॉलम किसमें हमारा इसको मैच करना है, उसके बाद ये हो गया हमारा कॉलम किस कॉलम के डेटा लाना है, उस कॉलम को किस रेंज में मैच करना है, समझ में आ गया। फिर हमने दो ए बनाया हुआ है क्योंकि मुझे ये तो पहले पता करना है कि किस कॉलम का डेटा उठाना है, तो हमने यहाँ पे फोर इच का लगाया, तो फोर इच जे इन एम सी क्योंकि हमें इसमें मैच करना है। फिर बोला कि जे जे डॉट वैल्यू इक्वल टू सी, मैच क्या करना है सी मतलब कि कॉलम में, देन हमने बोला सी एन एक वेरिएबल लो उस पे उस कॉलम का किस कॉलम में मिला उसका कॉलम नंबर दे दो, समझ गया कॉलम नंबर मिल गया। अब यहां पे एक चीज और आ गई, एंड इफ कर दिया, अब यहां पे नेक्स्ट जे, तो ये हमें कॉलम नंबर लेके दे देगा। दूसरा हमने यहाँ पे लगाया डेटा लुकअप करने के लिए फोर आर इन द एम, क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा है एम है, रेंज हमारा सॉरी, हमने बोला कि फोर इच आर इन द एम, एम के एक एक सेल पे जाना है, इफ आर डॉट वैल्यू इक्वल टू एन मतलब कि अगर ये बराबर हुआ तो वी एल पे स्टोर कर दो ऑफसेट जो वैल्यू मैच कर रहा है उसमें से एक कम कॉलम, एक कॉलम नंबर जो कि हमने यहाँ पे स्टोर किया था, एक माइनस करने के लिए नहीं है, जब मुझे वैल्यू मिल चुकी है तो आगे क्या करना है, यहीं पे फंक्शन को एग्जिट करता हूँ ठीक है। ठीक है आप इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और तरीके से, कल से हम आपको कैटेगरी वाइज फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके।